हेलो दोस्तों, आपका रिजिलियंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से हमारा पहला पहला होता है सीमेंट। सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लाइम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मोर्टार, फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक्स, फिर हम पढ़ेंगे एग्रीगेट, फिर हम पढ़ेंगे एडमिक्सर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कंक्रीट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, जो भी हम सिविल में आरसीसी में यूज करते हैं। फिर आता है हमारा टिम्बर, और फिर आता है हमारा स्टील। हम ये सब बिल्डिंग मटेरियल जो भी हैं, बिल्डिंग मटेरियल हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, सीमेंट हमारा मेन मटेरियल है आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। ये बाइंडिंग देता है। सबसे पहले हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट का अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो सीमेंट दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूंट से बनता है। एक होता है हमारा कैलकैरियस, और दूसरा हमारा होता है एग्रीलेसियस कंपाउंड्स। ये भी कंपाउंड्स ही होते हैं। अब कैलकैरियस कंपाउंड्स हमारे जो होते हैं, ये होते हैं क्या, लाइम ले लीजिए आप, चाक। एग्रीलेसियस में हमारे आ जाते हैं क्ले, मार्ल और शेल। ये हमारी हो जाती है एग्रीलेसियस कंपाउंड। अब इन दोनों का जो मिक्सअप हम करते हैं, तो हमारा सीमेंट फॉर्म होता है। अब सीमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, हम उनमें से किसी एक टाइप को पकड़ेंगे और उसी का हम एनालिसिस कर डालेंगे कि सीमेंट ये कैसी बनती है। तो हम लेते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट्स देखें OPC में, तो सबसे पहला होता है हमारा, इसमें प्रेजेंट होता है लाइम, फिर प्रेजेंट होता है सिलिका, फिर हमारा प्रेजेंट होता है एलुमिना, फिर प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट, फिर प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और एल्कलीज। अब इनका जो केमिकल नाम होता है, हम वो लिख देते हैं, इसको CaO बोलते हैं, इसको SiO2 बोलते हैं, इसको Al2O3 बोलते हैं, इसको CaSO4 बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। फिर आयरन ऑक्साइड हमारा जो होता है Fe2O3 की फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, मैग्नीशिया MgO के फॉर्म में रहता है, सल्फर जो रहता है S, और एल्कलीज मेनली होता है Na2O K2O। ये हमारे होते हैं एल्कलीज। अब जो परसेंटेज रहता है, हम परसेंटेज देख लेते हैं कि कौन सा कितने परसेंटेज हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में उपलब्ध रहता है। तो 62 से लेके 67% तक ये हमारा लाइम रहता है, सिलिका 17 से 25%, एलुमिना 3 से 8% रहता है, कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, और आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, 1-3%, 1-3%, और 0.2-1%। ये हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा ये रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट में कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कोहेसिव और एडहेसिव का मतलब ये होता है कि कोहेसिव
अगर कोहेसिव की बात करें तो कोहेसिव मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगते हैं हम उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव और एडहेसिव मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच जो भी अट्रैक्टिव फोर्स रहता है हम उसे एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। तो सीमेंट के अंदर कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है, इसका मतलब ये है कि ये जोड़ने का काम करता है, चाहे सीमेंट को सीमेंट से या तो सीमेंट को किसी और से, ब्रिक से हो गया, एग्रीगेट से हो गया, इन सब से। तो अगर हम बात करें सीमेंट की तो इस हाइड्रोलिक सीमेंट भी आ जाता है हमारा, और भी डिफरेंट टाइप के सीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम इन सब के बारे में बाद में हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये आगे हम बात करेंगे। अब जो भी हमारे ये इंग्रेडिएंट्स थे सीमेंट में, ओपीसी सीमेंट में, ओपीसी में जो भी हमारे इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे क्या क्या, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्गली, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट थे, इनका क्या काम होता है ओपीसी सीमेंट के अंदर रहते हुए। तो अगर हम बात करें लाइम की, लाइम तो लाइम 17 से 25%, 17 से 25% ये रहता है, किस फॉर्म में रहता है, CaO के फॉर्म में। अब लाइम देता क्या है, लाइम्स अगर सीमेंट में है तो कुछ ना कुछ तो इसका वर्क होगा। तो लाइम हमारा क्या देता है, सबसे ज़्यादा ये 17 से 25% लाइम, सॉरी 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 62 से 67% है, सबसे ज़्यादा है। तो ये बल्क, सबसे ज़्यादा बल्क देता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका इंग्रेडिएंट है, तो इसी का सबसे ज़्यादा वेट होगा, इसी का सबसे ज़्यादा वर्क होगा, बल्क बल्क प्रोड्यूस कर रहा है ये लाइम। तो लाइम ये क्या देता है, सबसे पहले हमें ये देता है स्ट्रेंथ, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, और क्या इम्पार्ट करता है, साउंडनेस मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, अगर चेंज इन वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर लाइम की मात्रा हम ज़्यादा कर देंगे, तो हमारा जो सीमेंट है वो अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड मीन्स अगर हम चेंज इन वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होगा, मतलब टाइम के साथ चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हम इसकी क्वांटिटी को अगर हम कम कर दें तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाएगी, और ये क्विकली सेट मतलब ये तुरंत सेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम ऐड करें तो वो एक लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। तो अगर हम सीमेंट हम ज़्यादा कर देंगे, अगर हम सीमेंट हम सीमेंट में लाइम की मात्रा हम ज़्यादा कर देंगे तो ये अनसाउंडनेस हो जाएगा, तो इसमें वॉल्यूम चेंज हो ज़्यादा होगा, तो ये डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब उसका क्षरण हो जाएगा। अगर इसकी मात्रा हम कम डालेंगे, लाइम की मात्रा अगर हम कम डालेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा दूसरा आ जाता है सिलिका कितना, 17 से 25% किस फॉर्म में रहता है, SiO2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, SiO2 के फॉर्म में रहता है। यह भी इम्पार्ट क्या करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है, मतलब यह भी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये एक्सेस मात्रा में अगर हमने डाल दिया, मतलब 17 से 25% के बीच ना होकर अगर हम 25% से ज़्यादा हम सिलिका की मात्रा सीमेंट में ऐड कर देते हैं तो जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की वो तो इंक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेंथ जो है ये इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन इसका सेटिंग टाइम भी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जो सीमेंट पहले सेट 10 मिनट में होती थी, या जैसे ओडी पोर्टलैंड सीमेंट 30 मिनट में सेट करती थी, अगर हम सिलिका की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो सीमेंट 30 मिनट में ना सेट होके इसका जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, 70 मिनट हो जाएगा, हम उस क्वांटिटी के हिसाब से इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो भी है इंक्रीज कर जाएगा। वहाँ पर हम लाइम में देख रहे थे कि अगर लाइम की मात्रा अगर हम कम कर देते थे, डिफिशियंसी हो जाती थी लाइम की, तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है डिक्रीज कर जाती थी, साथ साथ सीमेंट क्विकली सेट हो जाता था,
मतलब जल्द से जल्द 30 मिनट अगर रेडी पोर्टलैंड सीमेंट का सेट होने का टाइम है, तो अगर लाइम की मात्रा हम कम कर दिए तो ये जल्दी ही सेट कर जाएगा, जल्दी ही सेट कर। लेकिन सिलिका के केस में सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है सिलिका, अगर सिलिका की मात्रा हम ज़्यादा कर दिए तो सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब वेयर एवर अगर हमको अर्ली स्ट्रेंथ हमको चाहिए, हमको जल्दी से सीमेंट को सेट कराना है, अर्ली स्ट्रेंथ हमको चाहिए, तो हम यही चाहेंगे कि हम सिलिका और लाइम को हम अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंगली हमको चाहिए हम उसके हिसाब से चेंज करें। ठीक है, हमारा जो तीसरा पार्ट हो जाता है हमारा एलुमिना। यह एलुमिना क्या होता है, कितने परसेंटेज रहता है, 3 से 8% रहता है। यह जो है 3 से 8% रहता है और Al2O3 के फॉर्म में ये रहता है, Al2O3 के फॉर्म में रहता है। इसका क्या काम होता है, ये इन सबको ये रिफ्यूज रिफ्यूज करने में हेल्प करता है। मतलब ये एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। इट मीन्स ये फ्लक्स की जैसे काम करता है और क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। मतलब यह साथ ही साथ यह किक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट को देता है। मतलब किक सेटिंग प्रॉपर्टी अगर एलुमिना हम डालते हैं तो यह फ्लक्स का टेम्परेचर कम करता है। इट्स एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, और क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट को देता है। ठीक है, अगर एलुमिना की मात्रा हम ज़्यादा कर दिए तो सीमेंट वीक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट कर जाएगा। क्विकली सेट्स तो कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो सीमेंट को ये वीक कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम नया टर्म अभी यूज करे हैं, क्लिंकरिंग टेम्परेचर। क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में सीमेंट के क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं। द टेम्परेचर एट विच क्लिंकर्स ऑफ सीमेंट फॉर्म इज नॉन एच क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ठीक है, हमारा ये एलुमिना तक हो गया है। अब इसके आगे हम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, 3 से 4% इसकी मात्रा होती है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये जिप्सम के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ जिप्सम, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ जिप्सम। और ये सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम को ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, प्रेजेंट जिप्सम के फॉर्म में रहता है और इनिशियल सेटिंग टाइम को ये इंक्रीज कर देता है। फिर आ जाता है हमारा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो हमारा Fe2O3 के फॉर्म में रहता है, कितना परसेंटेज रहता है आयरन ऑक्साइड, 3 से 4%। यह भी आयरन ऑक्साइड भी में क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, हार्डनेस देता है, और कलर, और सीमेंट को क्या देता है, कलर देता है। कलर कैसा होता है हमारा, ये रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन ये देता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मैग्नीशिया, मैग्नीशिया मैग्नीशिया MgO के फॉर्म में रहता है, कितने परसेंटेज रहता है, 1 to 3%। यह भी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर देता है, ये एलोइश कलर देता है। कौन सा कलर देता है, एलोइश कलर, येलोइश कलर देता है। और अगर MgO की मात्रा हम ज़्यादा कर दिए तो सीमेंट हमारा ये अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड का मतलब तो समझ ही गए हैं कि वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है तो हम उसे बोल देते हैं ये अनसाउंड है, अनसाउंड है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सल्फर। सल्फर जो प्रेजेंट है
1 to 3%, सल्फर जो प्रेजेंट है 1 to 3%, ठीक है, सल्फर जो प्रेजेंट है हमारा कितना परसेंट, 1 से 3%। और ये भी अनसाउंडनेस के लिए जिम्मेदार रहता है, ये भी सीमेंट की अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा एल्कलीज। एल्कलीज ये हैं इम्प्योरिटीज जो वाटर में प्रेजेंट हैं, इम्प्योरिटीज जो हैं वाटर में प्रेजेंट हैं, अगर ये वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये स्टेनिंग एयर फ्लोरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। इससे वाइट ग्रे पैचेस, वाइट ग्रे पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, वाइट ग्रे पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, मॉइस्चर वेपर्स से इंट्रैप्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से वाइट पैचेस आ जाते हैं। अब ये हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या, लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड जो भी हैं, इन सब को हम मिक्स करते हैं, इंटरग्राइंड करते हैं और हम इन्हें 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हम इनको गर्म करते हैं, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इन्हें गर्म करते हैं। तो 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इनको गर्म करते हैं किल्न में, तो ये फ्यूज इश अदर, मतलब ये एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, फ्यूज होते हैं और कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनता है जिसे हम बोगस कंपाउंड कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोगस कंपाउंड कहते हैं। ये जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ये एक साथ नहीं फॉर्म होते हैं, ये चीज़ हमें नोट करने लायक है। और जो भी ये बनते हैं हमने बोगस कंपाउंड कहते हैं। बोगस कंपाउंड में हमारा सबसे पहला जो बोगस कंपाउंड, जो भी बोगस कंपाउंड है उनमें हमारा सबसे पहला है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट, फिर है हमारा C3S, फिर है हमारा C2S। हम इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।